मैं विजय कुमार दिवाकर सन सिटी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, क्योंकि हमें सन सिटी ऑफ इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में जहां हर रोज एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वहीं इसकी जड़ को निकाल फेंकने की बजाय इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तमाम नेता, राजनेता महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को सिर्फ एक मुद्दा बनाकर चलाते हैं, जो कि अंदर से सिर्फ खोखले ही हैं। राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर में हुई शूटआउट मामले के मुख्य आरोपी सहित 5 बदमाशों को पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने धर दबोचा है। पुलिस को बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल शूटआउट का पूरा मामला 6 अक्टूबर का है। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में अपने एक कमरे के घर में रहने वाली 12 साल की सुमन जब शाम के वक्त छत पर टहलने गई, तो उसे क्या पता था कि शाम को घर से निकलना उसे इतना महंगा पड़ेगा। गौरतलब है कि उस दिन अचानक सुमन ने कुछ लोगों के झगड़ने और शोर मचाने की आवाज सुनी, और फिर उसने देखा कि कॉलोनी के कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक झगड़ा और बढ़ जाता है और फिर बंदूक से फायरिंग शुरू हो जाती है। दरअसल उस रात फाइनेंसर तरुण दुआ अपने 10 साथियों के साथ कृष्णा नगर स्थित अपने ऑफिस में पार्टी मना रहे थे, और फिर उसी दौरान ऑफिस के पास स्थित एक रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट से खाना लेने की पेमेंट को लेकर दुआ और उसके बाकी साथियों की रेस्टोरेंट के स्टाफ से कहा सुनी हो गई, और फिर देखते ही देखते तरुण और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और इसी फायरिंग के दौरान एक बच्ची सहित 5 लोग इसमें घायल हो गए। फायरिंग में घायल हुई बच्ची 12 साल की सुमन थी। गोली सुमन के पेट में लगी थी और वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। गोली ने सुमन की किडनी को बुरी तरह से घायल कर दिया। सुमन 20 दिन तक अस्पताल में रही और इस दौरान उसके कई ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन गरीब और हालात से लाचार सुमन के घर वालों के पास इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण इसे अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया गया। दरअसल गोली के जहर से सुमन की एक किडनी इतनी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी कि उसे निकालना ही पड़ा। हालांकि पहली खराब किडनी के कारण दूसरी किडनी पर भी इसका असर नजर आने लगा था, लेकिन अब परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं, सुमन के घर वालों ने सुमन के इलाज के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये लोग योगेश उर्फ सोनू, गुलजार, शोकिंदर सिंह, कृष्णा कुमार और राजेश हैं। कृष्णा नगर हुई शूटआउट के आरोप में ये सभी गिरफ्तार किए गए हैं।
इनमें योगेश उर्फ सोनू पूरी घटना का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्जन भर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फाइनेंसर तरुण दुआ, वहां के सुरक्षा गार्ड रोहित और मुकेश रावत को गिरफ्तार किया गया था। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले शाम के रात के वक्त कृष्णा नगर में एक इंसिडेंट हुआ था फायरिंग का, जिसमें 4 आदमी इंजर्ड हुए थे और काफ़ी क्षेत्र में पैनिक फैला था। उस सिलसिले में हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि ये जो एक्यूज है इसका घर सामने ही है। इसका नाम है सोनू, तरुण दुआ के नाम से जाना जाता है। इसके घर पर कुछ लोग आए हुए थे, सामने जो होटल था उससे खाने के ऊपर इनका कुछ डिस्प्यूट हुआ, इन लोगों ने फायरिंग की जिसमें कि 4 आदमी इंजर्ड हो गए थे। उस केस के सिलसिले में हमने आज 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है और बाकी की पहचान कर ली है। मैं ये प्रेस रिलीज आपको दे रहा हूँ। इनमें बेसिकली जो रेजिडेंट था जिसके घर पर इंसिडेंट हुआ था वो, प्लस जो बाउंसर कैटेगरी के लोग थे और जो जो इनके साथ थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी के लिए हमने छापेमारी की है, हरियाणा में भी गए हैं, उत्तराखंड तक भी गए हैं, दिल्ली के सभी ठिकानों पर हमने कोशिश कर ली है। इनके जो बिजनेस ठिकाने थे, घर थे, ऑफिस थे, उन सब पे कोशिश की है। इनको भी बहुत जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे।
इनमें से कुछ ऐसे हैं, एक तरुण दुआ के अलावा एक और सोनू है जो गाजीपुर में उसमें रहता है, मौजपुर में, उसके पीछे कुछ केसेज हैं। एक सौकेंद्र है, उसके पीछे भी कई केसेज हैं। यही इस तरह के केसेज हैं जिनमें कि मार पिटाई और झगड़े के केसेज हैं। अभी तक कितने केस खुलासा हो चुका है? नहीं, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हमारा केस वर्कआउट हुआ है। ये से बाकी किन केसों का खुलासा होना चाह रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बट पिछले कई केसों में मार पिटाई के केसों में इन्वॉल्व। भैरव सिंह गुज्जर के मुताबिक घटना के बाद से शूटआउट शामिल आरोपी अंडरग्राउंड हो गए। जिसके बाद टेक्निकल सर्विलांस आधार पर अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाकी बचे आरोपी की तलाश जारी है। नाम शौकेंद्र है, उसके लिए हमने पीसीआर को चिट्ठी लिख दी है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उसका नाम आ रहा है। अरेस्ट होने के बाद फिर मैं आपको एक बार फिर डिटेल आपको स्वीकेश जो बता रहे थे वो इस तरह से है कि ये जो तरुण है जिसके हमने आपने अभी देखा होगा, इसके घर पे बैठ कर के अपना खाना खा पी रहे थे, उसमें घर के अंदर इनकी ड्रिंक्स विंक्स चल रही थी, उसी के दौरान इनको बाहर जो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से है उस पर ये खाना का सामान लेने गए, वहाँ पर कुछ उनका होटल वाले झगड़ा हुआ, उसी दौरान झगड़े में इनसे वो झगड़ा बढ़ता गया और उसमें फायरिंग भी करनी पड़ी। इसमें 3 हमने अरेस्ट कर लिए हैं और 4-5 हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें एक मौजपुर का लड़का है तरुण नहीं, उसका नाम है सोनू, वो मौजपुर का है, एक सौकेंद्र है, एक उसके साथ हर्षु था, 1-2 उसके PSO हैं जो उसमें रहते हैं हरियाणा में, वहाँ तक भी हम गए हुए, तो उनकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँ। होटल वाले से जो है खाने को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन जो वहाँ पे रेजिडेंशियल जो है उन पर भी फायरिंग हुई थी, 4 लोग अलग। नहीं, वो जो फायरिंग हुई थी, यस दैट इज ट्रू, वो जो होटल था वो जो रेजिडेंट थे वो एक ही परिवार के थे, और झगड़ा जो हुआ है उसमें 8-7 तो इधर से ही आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें 3 तो अरेस्ट कर लिए हैं, अभी 5 का मुझे नाम ही पता है, 1-2 और भी निकल सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी। सर, होटल वाले किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मैंने अभी बताया था कि अंदर बैठ के खा पी रहे थे और बाहर से कुछ सामान और लिया ये खाने का, इस बात को गए थे जो इनिशियली पता लगा है, उन्होंने भी ये बताया होटल वालों ने कि भाई इस बात पे झगड़ा हुआ था, वहाँ पे जो तेल वेल था जिसमें कुछ सिकते थे उसको गिर गया, उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर मार पिटाई की, और उस दौरान वो भी इकट्ठे हुए तो इन्होंने और ज़्यादा इकट्ठे हो गए, अपने PSO बुला लिए और उसमें कुछ ज़्यादा इंसिडेंट। इस दौरान स्थानीय नेताओं ने भी सुमन के घर का दौरा किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी परिवार की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी के विधायक SK बग्गा ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन किसी ने भी अभी तक इस परिवार की कोई खास मदद नहीं की। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल सरकार अब कहां सो रही है? जहां एक ओर आम जनता मदद की गुहार लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर से आखिर मदद का हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? बेटी की हत्या से दुखी एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। गौरव की मीनाक्षी हत्याकांड, जिसमें 19 साल की लड़की को आनंद पर्वत इलाके में बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मार दिया गया था, और तब केजरीवाल सरकार मुआवजे की बात कहकर काफी हो हल्ला मचा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब कहां छुप बैठी है केजरीवाल की सरकार? और इतना ही नहीं, इस सवाल के कटघरे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी भी उतने ही शामिल हैं। एक मासूम जो बिना किसी वजह गोलीबारी का शिकार हुई, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। क्या दिल्ली सरकार और पुलिस में से किसी को भी इसकी परवाह है?
दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश खेल कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं एक खौफनाक रूप ले रही हैं और इन्हीं सब के बीच एक बार फिर चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही एक लड़की ने बहादुरी से धर दबोचा इस चेन स्नैचर को। दिल्ली का पॉश इलाका शगरपुर, जहां एक बहादुर लड़की ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया और ये साबित कर दिखाया कि कोई भी लड़की कमजोर नहीं हो सकती। और मुसीबत कोई भी हो उसका डटकर सामना कर सकती है। जी हाँ, शकरपुर इलाके में एक साहसी युवती ने चेन लूटने की कोशिश कर रहे बाइक सवार बदमाशों से अपना चेन ही नहीं बचाया बल्कि उस बदमाश को हवालात में हवा खाने पहुंचा दिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर साहस का परिचय देने वाली युवती को पुरस्कार देने का भी फैसला कर लिया गया है।
ये है 24 साल की अक्षी, जिसने साहसी होने का प्रमाण दिया है। दरअसल अक्षी नाम की ये युवती पूर्वी दिल्ली शकरपुर थाना इलाके स्थित मदर डेयरी रोड पर किसी काम से जा रही थी और फिर उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर अक्षी का चेन लूट लिया और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बेखौफ अक्षी ने पूरी साहस के साथ हिम्मत दिखाते हुए उन बदमाशों पर बैग फेंक दिया और बैग लगते ही बाइक से भाग रहे बदमाश वहीं गिर पड़े और अक्षी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पूरी हिम्मत के साथ एक बदमाश को पकड़ लिया। और ये देख वहां मौजूद कई लोगों ने पकड़े गए बदमाशों की जमकर पिटाई की। And its credit goes to my brother. He always supporting me very much. वो हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए support करता रहता है कि अगर बाहर निकलोगे तभी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना है life में, success होना है। रोज हर रोज एक नया दिन होता है और उसके लिए तुम्हें हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो खुद बाहर निकलो, खुद देखो, महसूस करो अपने ऊपर, तभी पता लगेगा। तो किसी प्रकार का डर नहीं लगा क्योंकि उसके पास पिस्तौल थी? और सर उस टाइम कोई डर नहीं लगा क्योंकि मैं मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद आर्मी स्कूल से पढ़ी भी हूँ और सेल्फ डिफेंस के मतलब मैं अच्छे से एथलीट भी हूँ और अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी थी, तो उस टाइम पे कुछ डर नहीं लगा मुझे। उस टाइम सिर्फ ये था कि उसे फेस करना है, कैसे करना है। और तो क्या क्या छीना था उसने आपके पास? उसने मेरी सिर्फ चैन छीन के भागा था। अच्छा, चैन छीनी उसने और वो बाइक पे भाग रहा था, तो जैसे ही मैंने टर्न किया तो ये दो थे और दोनों भाग रहे थे बाइक पे। मैंने जैसे टर्न किया तो मैंने चिल्लाई शोर किया, चोर चोर चोर, बट वहाँ पे इतना कुछ था नहीं, देखा नहीं लोगों ने। मैं भागती रही अराउंड 200-250 मीटर पीछे मैं उनके भागी हूँ। उसके बाद जब उन्हें लगा कि मैं काफ़ी पास आ गई तो उन्होंने अपनी बाइक रोकी और गन दिखाई और कहने लगे कि पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, नहीं गोली मार दूँगा। तो आपका और मेरा इतना डिफरेंस था, मेरा उसके सामने इतना ही डिफरेंस था, तो मैंने बैग अपना आगे किया कि गोली लगेगी तो कुछ तो ट्राई करना चाहिए मुझे। मैंने बैग अपना आगे किया और देखा कि एटलीस्ट जैसे ही उसने मुझे गन मारने के लिए टी शर्ट है उनकी हल्की सी बाइक स्लिप हो गई। स्लिप होने के बाद थोड़ा सा जब उनका डिसबैलेंस हुआ तो मैंने उन पर अटैक कर दिया और फिर जब थोड़ा सा हुआ तो पब्लिक भी आ गई थी, तो पब्लिक ने भी पूरा सपोर्ट किया उस टाइम। तो मैम किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो आजकल निशाने पे होती हैं मुजरिमों के, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को? यही देना चाहूँगी कि आप अगर सचेत हो तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस चीज़ को देखते हो पॉजिटिव वे में लेते हो तो कुछ गलत नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आप अलर्ट हो तो आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और थोड़े से हौसले के साथ। दिल्ली पुलिस ने आपको आपको अवार्ड देने वाली बात की है, कैसा लग रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे उसके? सर इस बात में बहुत खुशी मिल रही है कि एक आम इंसान से आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। मैं कहीं जहाँ दिल्ली के जगह पर मेरी पहचान नहीं थी, आज मेरी खुद की ज़्यादा नहीं पर छोटी सी पहचान हुई, तो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ। दूसरों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, जिस तरीके महिलाओं को जिस तरीके से वारदात बढ़ती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे हिम्मत करनी चाहिए? एक्चुअली में वहाँ पे उस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे, सब मुझे बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत थी पहन के जाने की या क्या ज़रूरत थी, मत पकड़ भाग, चैनी तो लेके जा रहे थे, तो ये चीज़ गलत है। कल दिन में 12 बजे के आसपास एक इंसिडेंट हुआ था रॉबरी का, जिसमें एक महिला थी उसकी चैन लूटी गई विद लॉकेट। उसने रजिस्टर किया और पब्लिक ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से वो डगमगाए और उनसे जो रॉबर्स थे उनसे मोटरसाइकिल गिर गई। गिरने के बाद उनकी रिवाल्वर भी गिर गई और वो मैगजीन भी गिर गई। पब्लिक की मदद से उसको वहाँ पर पकड़ा गया, चूँकि पकड़ने में पब्लिक ने काफ़ी मेहनत की थी तो उसको थोड़ी बहुत चोटें भी लगी थी, उसका हॉस्पिटल करा के फिर अरेस्ट किया गया। इससे वो चेन, वो लॉकेट और रिवाल्वर का जो मैगजीन था वो मिल गया है। मोटरसाइकिल जिस पे ये रॉब कर रहे थे वो भी मौके पे रिकवर हो गई है। एक आदमी जो उतर के भाग गया था उसका नाम पता लग गया है, रिमांड लेकर के उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर देंगे। सर टोटल अभी तक क्या निकल के आया है, कितनी और कोई मामले थे? हाँ, ये गाड़ी चोरी की थी और गीता कॉलोनी से चोरी थी। हमें अभी उसमें प्रेस रिलीज में वो सारे
क्या क्वेश्चन पूछ रहे? क्या बताया सर, कितनी वारदात? कितनी वारदात? ये कई वारदात में शामिल, 4-5 वारदातें हैं इसकी जो शामिल है। ये रहने वाला चूरू का बता रहा है अपने आप को। अभी चूंकि पब्लिक ने इसको काफ़ी उस टाइम पर अरेस्ट करते टाइम इंजरीज थी, तो बहुत ज़्यादा पूछताछ कर नहीं पाए, रिमांड लेकर के फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट इट्स ए वेरी गुड केस इन द सेंस वेयर द पब्लिक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो सर इसके साथ क्या कोई और भी होता था या इसके साथ एक और है जो वाक्य है, मतलब जो इसको पकड़ लिया था, पब्लिक ने पीटा भी है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद वो चूंकि जब देखा कि पकड़ा गया तो साइड से भाग गया, और पब्लिक इसी पे कंसंट्रेट करती रही। कौन से थाने का केस? ये सकरपुर थाने केस। इट्स अ वेरी गुड केस। इस तरह के मतलब इन द सेंस कि पब्लिक का जो रेस्पॉन्स था दैट वॉज बहुत ही अच्छा रहा, और चैन वगैरह सब कुछ रिकवर हो गया। हाँ, इससे चैन भी रिकवर हो गया है, मोटरसाइकिल रिकवर हो गया है, वो पिस्टल का मैगजीन जो गिर गया था वो भी इसे रिकवर हो गया है, वो सब कुछ है, पिस्टल वो लेके भाग गया था उसका आगे। ठीक, इट्स अ गुड पब्लिक रेस्पॉन्स। सर जिस महिला से वारदात हुई थी क्या वो उस टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं? अभी तो नहीं है, बट वो उसका हम आपको दे देंगे, यू कैन गो एंड आस्क। हम उसको कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही बहादुर महिला है, हम उसको पुलिस की तरफ से रिवार्ड भी करेंगे। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही उसके कब्जे से लूटा चेन और पिस्टल की कारतूस भी बरामद कर लिए गए। मामले की जांच कर रहे डीसीपी भैरव सिंह गुज्जर का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुकेश मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। भैरव सिंह गुज्जर ने बताया कि युवती ने बदमाश को पकड़ने में हिम्मत का काम किया है, दिल्ली पुलिस उसे पुरस्कार देगी। आज भी समाज कहीं ना कहीं लड़कियों को कमजोर ही समझता है, लेकिन ये घटना इस बात का प्रमाण है कि कभी भी लड़कियों को कमजोर ना समझा जाए, उनमें भी अपने बचाव और सुरक्षा करने का जज्बा अब भी कायम है। कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा, कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई वारदातों के साथ।